और अभी पापा जो है बाइक निकाल रहे हैं और इतनी गर्मी में बाइक से ही जाना पड़ रहा है यार, तो ये सही नहीं है बिल्कुल भी। भाई ये कूलर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और इसकी प्राइस भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी। ब्लोअर है क्या? ब्लोअर है, देख सकते हो यार कुछ इस तरीके का इसकी साउंड है। और अभी हाई पे चल रहा है, मीडियम, लो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। वैसे व्लॉग शूट करने का कोई इरादा नहीं था, बट लेकिन क्या करें, मजबूरी हो जाती है कभी कभी, तो व्लॉग शूट करना पड़ जाता है। और आप सभी लोगों को बताया, लोग इंडिया से हैं यार, जो अभी जो मौसम जो चल रहा है ना यार, अभी का क्लाइमेट इतना ज्यादा गर्म है यार की हालत खराब कर दे। इसी को मद्देनजर रखते हुए यार काफी सोच विचार के बाद हमने डिसाइड करा यार कि मेरे को एक कूलर चाहिए, तो वही अभी चल रहे हैं देखने के लिए। हालांकि मेरे पास एक कूलर है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ भाई। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो अभी फिलहाल कि ये जो मेरा कूलर है टीन का कूलर है, और ये जो है अभी रनिंग पीरियड में है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो इसका जो एयर फ्लो है वो थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा ही कम है, और इसका जो साइड में आप देख सकते हो कि जो इसका पैड है वो भी बहुत बुरी तरीके से जो है गंदा हो चुका है और ख़राब हो चुका है, तो जिसकी वजह से हो सकता है कि एयर फ्लो बढ़िया से नहीं आ पा रहा होगा और ये कूल भी नहीं कर पा रहा है। और हालांकि इसको भी बदला जा सकता है, सब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट लेकिन एक और कूलर की वैसे भी हम लोगों को ज़रूरत है, तो फिलहाल बस मन यही बन गया है कि हमें एक नया कूलर लगाना पड़ेगा भाई। कुछ इस तरीके का मामला है, तो अभी फिलहाल निकल लेते हैं, जा करके देखते हैं आदित्य विजन में, अगर देखते हैं अगर वहाँ मिल गया तो सही है, नहीं तो फिर डिजिटल दुनिया है, मतलब यहाँ पर दो ऐसे शॉप्स हैं जहाँ पर आप देख सकते हो, तो अभी फिलहाल निकलते हैं देखते हैं फिर। हालांकि मुझे नहीं लगता यार कि अब ज़्यादा कूलर की ज़रूरत पड़ेगी, बट जितने दिन भी पड़ रही है लेकिन गर्मी तो है यार, ठीक है भाई, फिलहाल सोच रहे हैं वही, तो अभी वही दोनों और जो शॉप है उसमें विजिट करेंगे। और आदित्य विजन में मैं ये भी सुनता हूँ यार कि उसमें एक्सचेंज ऑफर चल रहा होता है, तो देखते हैं अगर उसको एक्सचेंज कर पाते हैं तो ठीक है, वरना करने है लेना पड़ेगा, तो फिलहाल अभी निकल लेते हैं। फिलहाल तो निकल चुके हैं, पापा गए हैं गाड़ी लाने के लिए। तो भाई अभी जैसे ही घर से निकला हूँ यार, ये क्या हो गया, मतलब गली में ही दो दो गाड़ियाँ लगी हुई हैं यार, एक तरफ गाड़ी है तो एक तरफ ठेला है, अब बीच से गाड़ी तो निकलेगी नहीं, तो भाई इन दोनों के ऑनर को भी मैं नहीं जानता हूँ, तो भाई अभी वेट करना पड़ेगा या फिर जो है कोई और दूसरा तरकीब निकालना पड़ेगा, तो अब तो ऐसा नहीं हो सकता भाई, तो वेट तो कर नहीं सकते क्योंकि वैसे भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। अभी फिलहाल क्या करते हैं कि बाइक से ही निकलते हैं, और अभी पापा जो है बाइक निकाल रहे हैं और इतनी गर्मी में बाइक से ही जाना पड़ रहा है यार, तो ये सही नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर आदित्य विजन के अंदर हमें स्टॉक देखने को नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से अब डिजिटल दुनिया के तरफ जो है जाना पड़ा। अभी फिलहाल डिजिटल दुनिया के अंदर है और कूलर को भाई देख रहे हैं, और यहाँ पर काफ़ी सारा वैरायटी है, बट देखते हैं। कैलकुलेटर है और सब में तो हनी कॉम आ रहा है ना आजकल, आप सब में कूलर में हनी कॉम आता है, इसको थोड़ा चेक कर भाई। 90 लीटर में आएगा कैनिस्टर आपका, 90 चेक कीजिए थोड़ा इसको, चला कर हाँ चला कर देखिए, ब्लोअर है क्या? ब्लोअर है वही जो दिखाया नहीं बजाज वाला हम लोगों को, इसमें दूसरा है, ये नीचे से होगा, ये नहीं ब्लोअर का फैन है, फैन है, चलिए मैं इधर थोड़ा देखते हैं। भाई ये कूलर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और इसकी प्राइस भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी थी, 13,000 आस्किंग प्राइस थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये प्राइस जो है आस्किंग प्राइस है, हम इसको कम कर देंगे, तो आई थिंक 12.5 या 12 के आसपास में मेरे को मिल जाता, और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद था, लेकिन पापा कह रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया जिसके वजह से इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ से हम लोग चले जाते हैं खगोल, मुनासिब रेट लगाइए। फिलहाल क्या हुआ है कि यार उस टाइम पे तो गाड़ी नहीं निकाल पाए थे क्योंकि वहाँ पर ठेला वगैरह लगा हुआ था, और अभी फिलहाल दोबारा हमको शॉप से आना पड़ा है, फिर से गाड़ी लेकर के जा रहे हैं ताकि जो कूलर से किया हुआ है तो वहाँ से फिर गाड़ी में लोड करके लेकर के आना होगा, और धूप भी काफी ज्यादा हो गई है, तो अभी फिलहाल गाड़ी तो निकाल ली है और चल रहे हैं शॉप पर, और वहाँ से फिर कूलर को लेकर के आते हैं। बहुत ज्यादा परेशान भी होना पड़ा इतनी गर्मी में, क्योंकि यार वहाँ पर एक गाड़ी तो ऑलरेडी उधर लगी हुई थी और साथ में बगल में जो ठेला था जिसकी वजह से जो है मतलब गाड़ी कैसे निकल पाती, फिर उसके बाद अभी देखा कि बाइक से आने वाला था नहीं, जिसकी वजह से अभी दोबारा घर पर आए हैं, और आने के बाद देखा कि यार रास्ता क्लियर है तो निकाल लिया गाड़ी,
और अभी फिलहाल शॉप पर चल रहे हैं और जाकर के वहाँ से कूलर लेकर के आ रहे हैं। और धूप देखो यार, क्या मतलब इतना खतरनाक धूप निकला यार। तो भाई अभी फिलहाल जो मेरा कूलर है वो इसमें एडजस्ट हो गया है और अभी निकल चुके हैं घर के लिए। तो अभी फिलहाल जो है घर के पास आ चुके हैं और इसको अनलोड कर रहे हैं। अकेले तो नहीं जाएगा, चल जाएगा, हल्का है, हल्का है। ओह शिट, नो, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, हल्का है। इसको खोलिए। तो गाइस अभी फिलहाल कूलर को तो घर पर लेकर के आ चुके हैं और काफी मतलब अकेले उठा के ला रहा हूँ यहाँ, समझ रहे, पावर बोल दिखनी है अकेले, तो मेरा चला जाएगा। जो मेरे कंधे का जो बैंड बजा है उसका क्या होगा, ठीक है, देख रहे हो, हाथ दर्द होने लगा, वो हेल्प नहीं करता यार, अकेले मजबूर आदमी है। चल झूठा। खैर कोई बात नहीं, घर के काम कर देना चाहिए और करना भी चाहिए, समझ रहे हो ना। अरे कहना क्या चाहते हो। गर्मी में अभी उसको अनबॉक्स करना है, तो चलो पहले उसको अनबॉक्स कर लेते हैं, तो फिर आप भी कहोगे यार कि इतनी देर से वीडियो को देख रहा हूँ, अनबॉक्सिंग तुम नहीं दिखा रहे हो, क्योंकि अनबॉक्सिंग देखने में मजा ही काफी ज्यादा आता है। तो चलो भैया बड़ा बॉक्स अनबॉक्स कर दे। तो बॉक्स हमें कुछ इस तरीके का मिल जाता है, काफी बड़ा बॉक्स है यार, और सिम्फोनी के यहाँ पर ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और इसको जल्दी से यहाँ से हम अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ये देख लो भाई, कुछ इस तरीके का कूलर हमें देखने को मिल जाता है। टाइम भी काफी ज्यादा हो गया, 3:30 ऐसे ही हो गया यार। दो तरफ लग गया है, एक तरफ और लगा दीजिए, नहीं लगेगा काफ से, नहीं लगेगा तो बोलिए हम हैं रखिए। तो गाइस कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर कूलर देखने को मिल जाता है, और इसको यहाँ से हटा देते हैं अभी, जब तक इसको भाई रेटिंग नहीं दे सकते हैं जब तक इसको चलाएंगे नहीं, ठीक है, तो अभी इसको फाड़ना पड़ेगा। इसमें कुछ इस तरीके का हमें पाइप भी देखने को मिल जाता है, शायद हाँ यहाँ लगने वाला है, और ये हमारा हनीकॉम डिज़ाइन हो गया, और इस तरफ हमारा फ़ैन देखने को मिल जाता है, और नीचे में यहाँ पर इंडिकेटर है, वाटर इंडिकेटर है, और यहाँ से आप आइस डाल सकते हो और वाटर डाल सकते हो, ठीक है, बढ़िया है। और इसको चला के देख लेते हैं अभी फिलहाल। तो इसके पीछे वायर देखने को मिल जाता है, जो कि कहेंगे ठीक ठाक ही है, देख सकते हो यार कुछ इस तरीके का इसकी साउंड है, और अभी हाई पे चल रहा है, मीडियम लो। ये जो हमारा हो गया पंप के लिए, ये स्विंग एंड कूल और स्विंग, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का है। और अभी फिलहाल इन्वर्टर से भी इसको चला करके देख लेते हैं, इन्वर्टर से भी झक्कास चल रही है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, सही है। अभी इसमें पानी वानी डाल के फिर देखेंगे, बट उससे पहले एक नट हमें देखने को मिल जाता है, आई थिंक ये स्टैंड का ही होगा, तो इसको पहले कसना पड़ेगा। हाँ कूलिंग ठीक है, बढ़िया है। तो गाइस कुछ इस तरीके हमें कूलर देखने को मिल गया, और इसके प्राइस की बात करें यार, तो प्राइस काफी ज्यादा हमें देखने को मिला है, तकरीबन जो प्राइस इसकी हमें देखने को मिल गई है 14,500 बोल रहे थे वो, तो किसी तरीके से बार्गेनिंग करके 13,000 पर आकर के रुकी है, जो कि कुल मिला करके 13,000 पड़ गया है। और जो भी इसका फीचर था मैंने आपको बता दिया, जितनी जानकारी मेरे पास हमें देखने को मिली है वो मैं आपको सारा शेयर कर दिया हूँ। आई होप कि आज का जो मेरा व्लॉग था आपको पसंद आया होगा, और आज टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सारा टाइम इसी में मेरा खपत हो गया, और 3:35 हो गया, ठीक है ना, 4 से मेरा क्लास है, तो फिर भाई समझ सकते हो, मतलब समझ रहे हो ना, कोई नहीं, आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है, बहुत मेहनत भी कर लिया, बहुत पसीने पसीने भी हो गए। आई होप कि आज का जो मेरा व्लॉग था आपको पसंद आया होगा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरा व्लॉग आपको पसंद आता है, और आपको पता ही क्या करना है, ठीक है, बोलने की कोई जरूरत वाली बात नहीं, तुम लोग समझता हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, रेसिंग मजेदार व्लॉग के साथ, अपडेट करें।